मैंने ढूंढ चलाने लगा तो हमको समझ में आया किसी तरह काम घिसकर भागे हैं वहाँ से। जहानाबाद शहर के राजा बाजार में सरेआम गोली चलने से सनसनी मच गई। जमीन विवाद में गोलीबारी की बात सामने आई है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर स्थिति में घायल युवक को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। घटना नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार स्थित काली मंदिर के पास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि काली मंदिर के पास सवा कट्ठा जमीन का प्लॉट है, जिसको लेकर सूर्यकांत धीरज का विवाद चल रहा है और जमीन पर धारा 144 लागू है। बुधवार की देर शाम जब सूर्यकांत धीरज को पता चला कि कुछ लोग उस पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो सूर्यकांत धीरज अपनी जमीन देखने पहुंचा। उसी समय मौके पर मौजूद लोग उसे खदेड़ने लगे और भागने के क्रम में अपराधियों ने गोली चलाई, जिससे गोली उसके बाएं पैर में लग गई। किसी तरह वो सदर अस्पताल पहुंचा, परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर मौके पर परिवार के सदस्य भी पहुंचे। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना को लेकर SDPO अशोक कुमार पांडे ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला जमीन विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। घायल के फर्द बयान के आलोक में पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि गोलीबारी करने वालों की पहचान भी कर ली गई है। कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। सब पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। सूचना मिली कि राजा बाजार में विवादित जमीन को लेकर के दो पक्ष आपस में भिड़े हैं, तो उसमें किसी को गोली छू के निकली है, ऐसी सूचना मिली है। हम लोग इसको देख रहे हैं और इसमें उसको उसकी धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। स्थिति तो पेशेंट ठीक है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये मामला जो भूमि विवाद से संबंधित है, ये बताया जा रहा है कि आज ही ये उठा और आज ही इस तरह की बात हो गई, ये इसको हम लोग देखते हैं। थाना अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि आज ही ये मामले में 144 भी आज लागू हुई है, कल ही इनको सूचना मिली थी, आज मामले में 144 के लिए भी इन्होंने शायद प्रतिवेदित किया हुआ है। देखते हैं आगे, जिसने भी बदमाशी की है उसको पकड़ा जाएगा। गोली लग गया तो फायर दीने लगे सर, आप बताइए। जान बच गया तो बहुत ज़्यादा की बात कर दिया सर आप।